साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हमारी यही मांग है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जो पिछले 9 साल से हमारे बापूजी को जेल में रखा गया है। ये करोड़ों महिलाएं जो 10 साल से अपने गुरुदेव के लिए रुदन कर रही हैं, तो आखिर इनको न्याय कब मिलेगा? सरकार को देखना चाहिए इतने बुजुर्ग संत पे वो कैसे अन्याय कर रहे हैं। देर से न्याय होना भी एक अन्याय है। बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कीजिए, बहुत हद हो गई है। बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है। सनातन संस्कृति के बापूजी स्तंभ है, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है और इतने कॉन्स्पिरेसीज में उन्हें फंसा के रखा हुआ है। उस लड़के के साथ घटना जोधपुर में हुई है और वो लड़के रिपोर्ट लिखाने जाती है दिल्ली में, क्या कारण है? आज इतने बुजुर्ग संत जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको 10 से 12 सालों में उनको जेल में रखा जा रहा है एक लड़की के कहने पर। बस हमारी एक ही मांग है अब सबसे कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया। कि आज तो ये मौन रैली है, किसी दिन इन महिलाओं का दर्द बाहर आ गया ना, तो ना कानून दिखेगा ना कोई नेता दिखेगा। भारत सरकार की नींद नहीं खुल रही। जिस दिन पार्लियामेंट के आगे दाह संस्कार होगा, उस दिन भारत सरकार की नींद खुलेगी। निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए और किया जाए। बाकी बाबू जी के प्रति लोगों की आस्था है, इसीलिए लोग आए। विजय जी क्या कहोगे आज संत आसाराम जी बापू के समर्थन में, देख रहे हजारों की संख्या में महिलाएं? आज महिला रैली है यहाँ पे, भक्तगण जो आए ना महिलाओं की रैली निकालने के लिए आए हैं, तो महिलाएं आती है तो पुरुष भी साथ में आते ही है, इसीलिए पुरुष भी आए हैं। भक्ति का भजन, सब जो भक्त जन है ना, इनकी भावना भक्ति में लीन है और बापू जी के प्रति आस्था है, इसीलिए ये लोग जो हैं हमारे, ये कालू राम जी जो हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये सब प्रत्येक जिलों से आए हैं लोग और अच्छी रैली निकाल रहे हैं। अभी वहाँ खेड़ापति बालाजी जाएंगे और ये सब भक्ति में लीन है। सब बापू की रिहाई की मांग कर रही है महिलाएं। बापू जी का तो अब गवर्नमेंट का मामला है, वो तो कोर्ट का मामला है, तो वो तो कोर्ट के अनुसार जो होगा वो जो होगा। इन लोगों का भी देखना चाहिए, न्यायपालिका सरकार को भी देखना चाहिए। महिलाएं बोल रही है कि एक लड़की ने आरोप लगाया, आज देख रहे हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं। वो है पर वो तो कोर्ट का डिसीजन ही होगा, जो कोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना, कोर्ट के बारे में कुछ कह सकता, वो जो कोर्ट का होगा वो होगा। बाकी बाबू जी के प्रति लोगों की आस्था है, इसीलिए लोग आए हैं, ये बात। मैं महिला जागृति शंखनाद एनजीओ की अध्यक्ष आशा हसनानी, जोधपुर निवासी। ये रैली आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में 10 साल से जो इन पीड़ित महिलाओं की, एक लड़की को पीड़ित 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 बताया जा रहा है, ये करोड़ों महिलाएं जो 10 साल से अपने गुरुदेव के लिए रुदन कर रही हैं, तो आखिर इनको न्याय कब मिलेगा? इस कानून के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के लिए, उस कानून से सवाल करने के लिए हमने किया है कि अगर कानून अंधा नहीं है तो कृपया हाथ जोड़कर विनती है कि आप पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्र रिहा करें। ये मेरी चेतावनी है, जिसे आज वो अमेरिका में अपने ऐश कर रही है, जिसके बाप के पास खाने के लिए नहीं था, कारों में घूम रही है, विदेश में रह रही है, वो कैसे? जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए। जोधपुर के थाने में मेरे साथ घटना हुई, सरदारपुरा में, आप मेरे साथ चल के मेरी वो कंप्लेन मंडोर थाने में लिखवा के बता दीजिए, मैं आपको, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तो उस लड़की की घटना जोधपुर में हुई है, बड़ा गंभीर विषय है ये। उस लड़के के साथ घटना जोधपुर में हुई है और वो लड़की रिपोर्ट लिखाने जाती है दिल्ली में, क्या कारण है? और उसके बाद कंप्यूटर पे उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जबकि वहाँ का कंप्यूटर बिल्कुल सही था। ये कानून ने प्रूफ किया है, डॉक्टर शैलजा ने लड़की की रिपोर्ट निकाली है, उसने स्वयं कहा है इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। जब उस लड़की को ये पता चला कि मैं झूठी साबित होंगी, देन उसने अपना स्टेटमेंट चेंज करा और 0 FIR पे अपना केस लिखवाने चली। तो इन सब बातों के जवाब
और इन निर्दोष महिलाओं को आखिर कब सुना जाएगा? कोरोना के टाइम पर भी पूज्य बापूजी को कोई रिहाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। मैं खुद उस दिन आई विटनेस हूँ। आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट फॉर जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर। सो व्हाई ऑल केसेस फैब्रिकेट? कहना नहीं है उनसे, उनको चेतावनी है कि आज तो ये मौन रैली है, किसी दिन इन महिलाओं का दर्द बाहर आ गया ना तो ना कानून दिखेगा ना कोई नेता दिखेगा। हमारी यही मांग है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो पिछले 9 साल से हमारे बापूजी को जेल में रखा गया है, हम महिला दिवस के दिन रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करा जाए। लेकिन बापू पे आरोप लगा, एक लड़की ने आरोप लगाया कि बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है। मैं 15 सालों से संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम से जुड़ी हूँ। मुझे आश्रम में कभी भी कुछ ऐसी गलत गतिविधि ना ही दिखी है और ना ही मैंने कुछ वहाँ पे ऐसा देखा है। और बात करें उनको संत श्री आशाराम जी बापू को इतने सालों से जेल में क्यों रखा है, तो उन्हें इसलिए जेल में रखा गया क्योंकि जो बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो नहीं चाहती है कि बापू जी बाहर आए, क्योंकि जो बापू जी हैं वो सनातन धर्म की क्या बोलते हैं पिलर हैं, वो हम जो बापू जी हैं वो स्तंभ हैं, सनातन संस्कृति के बापू जी स्तंभ हैं, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है और इतने कॉन्स्पिरेसीज में उन्हें फंसा के रखा हुआ है। हमारे बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, वो निष्कलंक होकर ही बाहर आएंगे, वो निष्कलंक है। सरकार को देखना चाहिए इतने बुजुर्ग संत पे वो कैसे अन्याय कर रहे हैं। देर से न्याय होना भी एक अन्याय है, ये आप सरकार को मानना चाहिए। जितने बुजुर्ग संत जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं है उनको 10 से 12 सालों में उनको जेल में रखा जा रहा है। एक लड़की के कहने पर उन पे आरोप लगा है, तो हम सब जो महिलाएं हैं वो हम सब क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? तो हमारे बापूजी को रिहा करो और उनको जल्दी से जल्दी न्याय दो। एक देर से न्याय होना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। बापूजी को जल्दी से जल्द रिहा कीजिए, बहुत हद हो गई है। बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है। अगर सनातन धर्म पे ही कुठाराघात क्यों होता है? जिस तरह सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू रक्षार्थ है तो बापूजी ने कदम उठाया, तो उनको आज जेल में डाल दिया गया है। उनका क्या कसूर क्या था? झूठा पुलिंदा बांध दिया गया है क्योंकि हमारी भारत सरकार की नींद नहीं खुल रही। जिस दिन पार्लियामेंट के आगे दाह संस्कार होगा उस दिन भारत सरकार की नींद खुलेगी और भारत सरकार को संतों को रिहा करना पड़ेगा। सनातन धर्म के कुठाराघात की जब उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म पर कितना कुठाराघात हो रहा है और संतों की रिहाई किस लिए है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं ने जोर शोर से ये आक्रोश रैली है, जबकि महिलाओं को सम्मान के साथ रैली निकालनी चाहिए, हर्षोल्लास के साथ रैली निकालनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये आक्रोश रैली है। संतों के सम्मान में, श्री आशाराम बापू जी के सम्मान में रैली निकाली है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।